धारा 22 मौन व्रतनी वार्ता। सोमनाथ नगर मा वेदों मा निपुण एवो तपस्वी ब्राह्मण रहे। महिनाओं सुधी जप तप अने उपवास करे, तेमज आजीवन पुरुषोत्तम करवानो निर्णय कर्यो हतो। आम करता करता ब्राह्मण 70 वर्षनो थयो। तपना कारणे तेनो शरीर निर्बल थई गयो, लाकड़ीनी मदद वगर ते चाली न शकतो, पण तेणे जप तप अने व्रत न छोड़िया। थोड़ा समय मा पुरुषोत्तम मास आव्यो, ब्राह्मण मूंझाई गयो। संकल्प मुजब पुरुषोत्तम मास मा तो नदीए स्नान करवा दररोज जवू पड़े अने उपवास पण करवा पड़े। ब्राह्मणे भगवान पर विश्वास मूकी व्रतनो प्रारंभ कर्यो। प्रथम दिवसे वहला उठी नित्य कर्म पतावी नदी तरफ जवा निकळ्यो। डगमग चालता घड़ी घड़ी विसामो लेतो ब्राह्मण मांड सूर्योदय समये नदी कांठे पहुंची शक्यो। ब्राह्मण ने विचार आव्यो कि पहला ज दिवसे आवी दशा थई गई छे तो आखो पुरुषोत्तम मास कई रीते निकळशे। परंतु संकल्प तो करेलो हतो, माटे जो ते नियम तोड़े तो दोष मां पड़े। ब्राह्मण स्नान करी वार्ता सांभळी भजन कीर्तन करी घेर आव्यो। त्यां सुधी मां तो छेक बपोर पड़ी गई। एटलो बधो थाक लाग्यो हतो कि ते मोड़ी सांज सुधी ऊभो ना थई शक्यो। 70 वर्षनी उम्र अने एटलू ज कठोर तप जेना लीधे ब्राह्मण खूब ज निर्बळ थई गयो। तेनो शरीर भांगी पड्यु हतु, परंतु मन मक्कम हतु। मोड़ी रात सुधी ब्राह्मण जागतो रह्यो अने प्रभुना भजन गातो रह्यो। घणा समय पछी तेने ऊंघ आवी। रात्रिना समये परम प्रभु पुरुषोत्तमे तेने सपनामां आवीने दर्शन दीधा। सपनामां पुरुषोत्तम प्रभु बोल्या, हे भक्त, तारा दृढ़ संकल्पथी हूँ घणो खुश थयो छुं। हे मारा परम भक्त, मौननो महिमा अपरंपार छे। पुरुषोत्तम महिनामां जे मौन पाळे भोजन ले तो पण तेनो बाद नथी। तू आजथी मौन व्रत धारण कर। सूर्योदयथी सूर्यास्त सुधी मौन धारण करवू। ब्राह्मणने रस्तो बतावी प्रभु तो अंतर ध्यान थई गया। ब्राह्मणे बीजा दिवसथी ज मौन धारण करी लीधो। बपोरे एकटाणू जमतो ब्राह्मणना शरीरमां शक्तिनो नवो संचार थवा लाग्यो। तेनी दुर्बलता दूर थई, तेनाथी ब्राह्मणनो उत्साह वधी गयो। आखो महीनो पूरो थयो, परंतु ब्राह्मणे मौन व्रत ना तोड्यो। तेनी भक्ति जोईने पुरुषोत्तम प्रभु प्रसन्न थया अने तेमणे ब्राह्मणने अखूट समृद्धि आपी। ब्राह्मणनुं आयुष्य पूरू थता ते वैकुंठमां गयो। एवी लोकवायका छे के ब्राह्मणना एक दिवसना मौन व्रतना फळथी इंद्र राजाए वृत्तासुर राक्षसनो वध कर्यो हतो। न बोल्यामां नवगुण बोलिए बगड़ी जाय, मौन तणो महिमा घणो पुरुषोत्तम प्रसन्न थाय। हे पुरुषोत्तम प्रभु, तमे जेवा मौन व्रतधारी ब्राह्मण ने फळ्या एवा सौ ने फळजो।